विंजो बना भारत का सबसे बड़ा गेमिंग ऐप, जिसमें लोग जीत रहे हैं 10,000 रुपए प्रति महीना बस गेम खेलकर। राष्ट्रपति की मंगलवार को एम्स में हो सकती है बाईपास सर्जरी। सशस्त्र बल दिवस पर म्यांमार की सेना ने प्रदर्शनकारियों पर बरसाई गोलियां, 114 लोगों की हुई मौत। हरियाणा के नारनौल की पहाड़ी में मिल सकता है यूरेनियम का प्रचुर भंडार। जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के तहत 7 राज्यों को 400 करोड़ रुपए की राशि देने की बात कही। विमानन मंत्री हरदीप सिंह ने कहा, मई जून तक निजी हाथों में होगा एयर इंडिया। अमेरिकी व्यापार विभाग ने भारत से अमेरिका में आई गई वस्तुओं के शुल्क में बढ़ोतरी करने के लिए रखा प्रस्ताव। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते कोरोना के केसों को देखते हुए महाराष्ट्र में 5 से अधिक केसों पर सोसाइटी होगी सील। रविशंकर प्रसाद ने कहा, इंटरनेट मीडिया पर जजों के खिलाफ टिप्पणी अब नहीं स्वीकार की जाएगी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने राष्ट्रपति को चेताया कि अफगानिस्तान पर कब्जा कर सकता है तालिबान। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो, और ऐसी रोमांचक खबरों को जानने के लिए देखते रहें राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क।